आज आपको मैं इटालियन का स्पेशल डिश बना के दिखाने वाला हूँ। मैंने स्पेशल डिश इसीलिए नाम दिया क्योंकि सबसे पहले हम चिकन को ग्रिल करेंगे, फिर थोड़ी सी रेड येलो पेपर का सलाद बनाएंगे, फिर हम डालेंगे बुराता चीज़। बुराता चीज़ डालने के बाद में फिर हम पेस्टो सॉस डालेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हो गया ना स्पेशल डिश। अगर आपने पेस्टो सॉस नहीं बनाया है, मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है कि पेस्टो सॉस कैसे बनाया जाता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पेस्टो सॉस चाहिए इसको बनाने के लिए। तो कुल मिला के बात है कि बहुत ही मज़ेदार डिश होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा। बुराता चीज़ इटालियन चीज़ है, क्रीमी होता है। जैसे आप बुराता चीज़ को थोड़ी सी काटेंगे ना तो उसका अंदर से चीज़ निकलता है। ये फ्रेश भी खा सकते हैं, इसको पकाने की जरूरत नहीं। हाँ, कहीं लोग बेक करके भी खाता है, लेकिन मोस्टली सलाद में हम क्या है उसको काट कर डालते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ ड्रेसिंग देकर फिर खाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये माइमा कंपनी का बुराता चीज़ है, पहले भी बताया मैंने आपको। इनके पास में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा फ्रेश चीज़ मिलता है। जैसे ये बुराता हो गया, बोकोचीनी हो गया, बोफेलो मोजरोला हो गया, मास्कापोने चीज़, और भी बहुत सारे चीज़ है माइमा कंपनी से आप खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदने चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पर मैं नंबर और डिटेल, उनका वेबसाइट का डिटेल दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर कर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। मैंने टेस्ट कर कर देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज इटालियन का स्पेशल चिकन। हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, एक टीस्पून हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, एक टीस्पून ओरिगानो, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी पपरिका पाउडर भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी चॉप पार्सली ऐड कर देंगे यहाँ पर। मैरिनेशन हो गया है, अब इसको हम आधे घंटे फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद फिर ग्रिल करेंगे। चिकन को ग्रिल करते हैं। हमने जो स्वीट पपरिका पाउडर डाला था उससे कलर अच्छा आ गया है, रेड रेड हो गया। अब हम थोड़ी सी सलाद का ड्रेसिंग बनाएंगे, थोड़ी सी ऑलिव ऑयल, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी पेपर, थोड़ी सी लेमन जूस। ये पेस्टो सॉस मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, अब यहाँ पर हम डालेंगे एक स्पून पेस्टो सॉस। ड्रेसिंग बिल्कुल रेडी है, अब हम रेड येलो दोनों बेल पेपर यहाँ पे ऐड कर देंगे, थोड़ी सी ऑलिव्स, थोड़ी सी बेसिल के पत्ते यहाँ पे। चिकन जो है बिल्कुल ग्रिल हो चुका है, मतलब पक चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। हमारा ग्रिल चिकन भी रेडी है और सलाद भी रेडी है, हमने जो पहले सलाद बनाया था प्लेटिंग करते हैं। ये बन गया इटालियन का शेफ स्पेशल डिश। तो आप देख रहे हैं बहुत इजी है और खाने में बहुत मज़ेदार है। एक मिनट रुक जाइएगा, अभी जाइएगा नहीं। डिश के साथ में आपको पेस्टो सॉस अलग से सर्व करेगा, क्योंकि ये जो सारा डिश है पेस्टो सॉस के साथ में खाया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करते रहिए, कंजूस ना करें।